और हम कक्षा के छात्रों को सामाजिक अध्ययन विषय में भाग के विशिष्ट शक्ति के अनुसार नामक पाठ के दूसरे भाग को बताने जा रहा हूँ। कल के वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने बताया। इस कंपनियों के बीच एक व्यापार युद्ध प्रारंभ हुआ और इस व्यापार युद्ध के प्रमुख कारण निम्न थे। उसमें है इंग्लैंड और फ्रांस के रूप में पारस्परिक प्रतिद्वंदी थे। यूरोप में यूरोप फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। इसलिए भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाइयाँ होना एक स्वाभाविक था। उनकी औपनिवेशिक संपत्ति के कारण उनकी प्रतिद्वंदिता और बढ़ गई थी। औपनिवेशिक संपत्ति को लेकर दोनों में तनाव और तेजी से बढ़ते गए। ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध हुआ। जैसे औपनिवेशिक स्थलों में उनका प्रभाव महसूस किया गया था। अंग्रेज फ्रांसीसी सत्ता ने भारत में युद्ध की एक श्रृंखला का नींव रखी, जिसे आमतौर पर एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश युद्ध कर्नाटक क्षेत्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में लड़े गए थे। साबितुल्लाह खान 1710-1732 कर्नाटक क्षेत्र का नवाब बन गया, जिसकी राजधानी आरकोट थी। उसके भतीजे और उत्तराधिकारी दोस्त अली खां को मराठों ने 1740 ईस्वी में युद्ध में मार दिया था। हैदराबाद का निजाम आसफ जाह तिरुचिरापल्ली वापिस लौट गया। उसने अनवर उल दीन खान को आरकोट के नवाब के रूप में नियुक्त किया। दोस्त अली के दामाद चंद्र साहिब ने अनवर उद दीन के लिए समस्याएं उत्पन्न की। स्थानीय पलक्कड़ों ने भी विद्रोह कर दिया। इस राजनीतिक अस्थिरता में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को देश के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। मने यहाँ के आपसी शत्रुता के कारण जो है इन फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी उसका लाभ उठाकर जो है ये एक दूसरे से मिलकर आपस में लड़ने को विवश किया। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-1748 फ्रांसीसी स्थित को मजबूत करने के लिए 1742 में पांडिचेरी के फ्रांस के गवर्नर के रूप में डुप्ले के आगमन के साथ कंपनी को व्यापारिक प्रतिद्वंदिता अपने चरम पर पहुंच गई। इसी समय उत्तराधिकार का ऑस्ट्रेलियाई युद्ध यूरोप में आरंभ हो गया। जब आज इंग्लैंड और फ्रांस इस युद्ध में के विपरीत पक्षों में थे, युद्ध की गूंज भारत में भी सुनाई दी। यूरोप में अगर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुए तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीय समुद्र में फ्रांसीसी जहाजों को बंधक बना लिया। डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डन की सहायता मांगी। फ्रांसीसी बेड़ा पहुंच गया और मद्रास पतन को घेर लिया गया। डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डन के संयुक्त प्रयास से मद्रास पर अधिकार कर लिया और अनवरुद्दीन ने मद्रास को पुनर्स्थापित करने के लिए मेजतुल खान के नेतृत्व में विशाल सेना को भेजा, लेकिन यह आधार से युद्ध में एक छोटी अनुशासित फ्रांसीसी सेना द्वारा पराजित हो गया। 1748 ईस्वी में एक्सला टेम्पल की संधि हुई। उत्तराधिकार में ऑस्ट्रेलिया युद्ध का अंत हो गया और पहला कर्नाटक युद्ध इस प्रकार समाप्त हो गया।
नवाब की सेना पर सफलता से दुबले का आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। फ्रांसीसी के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज चिंतित और सजग हो गए। हैदराबाद के निजाम की 1748 ईस्वी में मृत्यु हो गई। वहाँ के शासक के दूसरे बेटे नसीर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और कर्नाटक में दोस्त अली के दामाद चंदा साहिब अनवर उद्दीन के खिलाफ आरकोट के सिंहासन पर दावा किया। मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब साथ मिल गए और उन्होंने फ्रांसीसियों से सहायता की मांग की। नासिर जंग और अनवर उद्दीन को अंग्रेजों से सहायता मिली। मुजफ्फर चंदा साहिब और फ्रांसीस सेनाओं ने 1749 ईस्वी को अंबर उद्दीन को अंबूर में हराया और अनवर उद्दीन ने युद्ध में अपना जीवन गवा दिया। उसका पुत्र मोहम्मद अली सुरक्षा के लिए तिरुचिरापल्ली भाग गया, लेकिन उसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन गए और उसने दुपड़े की सहायता के लिए पुंडुचेरी के पास बुलुदनूर बिल्लियनूर और बहुत दे दिया। फिर वह मोहम्मद अली पर कब्जा करने के लिए तिरुचिरापल्ली की तरफ बढ़ा। आरकोट पर हमला करने के लिए इंग्लिश गवर्नर सैंडर्स ने रॉबर्ट क्लाइव और मेजर लॉरेंस के साथ सेना को भेजा और क्लाइव ने 1751 ईस्वी में बिना किसी विशेष प्रतिरोध के आरकोट पे कब्जा कर लिया। फिर फ्रांसीसी सेना और चंदा साहिब एमी और कावेरी पक्कम में हार गए। चंदा साहिब ने आत्मसमर्पण किया। 1752 में उनका सिर काट लिया गया। दुपड़े तिरुचिरापल्ली पर अधिकार करने में असफल रहा और 1754 ईस्वी में फ्रांस वापस बुला लिया गया। उसकी वापसी के साथ दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांसीसी हालांकि दृढ़ता से हैदराबाद में प्रवेश कर गए थे और नासिर जंग ने 1750 ईस्वी में एक मुठभेड़ में अपना जीवन खो दिया। मुजफ्फर जंग निजाम बन गया और फ्रांसीसी को उसने बहुत ही पुरस्कृत किया। आरकोट पे अधिकार कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि हुई। क्लाइव ने आरकोट के नायक के रूप में सम्मानित किया गया और 1755 ईस्वी में पौंडचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। फ्रांसीसी संपत्तियों को फ्रांसीसियों को वापस दिया गया था और अंग्रेज कर्नाटक क्षेत्र में विजेताओं के रूप में उभरे। जबकि हैदराबाद और फ्रांसीसी जनरल उसी के ने फ्रांसीसी की एक स्थिरता कायम रखी। कर्नाटक का तीसरा युद्ध यूरोप में सप्तवर्ष युद्ध का होना ही तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण बना। फ्रांसीसी सरकार ने भारत में फ्रांसीसी संपत्ति के गवर्नर और कमांडर इन चीफ के तौर पर काउंट डी लाली को भेजा। भारत आने पर के तुरंत बाद उसने सेंट डेविस किले पर हमला किया और कब्जा किया। चेन्नई पर कब्जा करने के उद्देश्य से उसने हैदराबाद के फ्रेंच जनरल उसी को याद किया। जैसा कि उसी ने हैदराबाद छोड़ा, अंग्रेजों ने उत्तरी परिसरों पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी जनरलों लैटी और रूसी अंग्रेजों द्वारा निर्णायक रूप में पराजित हुए और वांटीवास की निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांटीवास में हुई, जहां अंग्रेज जनरल आयुस ने लैटी को हरा दिया और फ्रांसीसियों ने 1761 ईस्वी में पौंडचेरी में आत्मसमर्पण कर दिया। तीसरा कर्नाटक युद्ध परिसंधि द्वारा 1773 ईस्वी में समाप्त हुआ और तीसरे कर्नाटक युद्ध 1773 ईस्वी के अंत तक फ्रांसीसी अब अंग्रेजों के लिए खतरा नहीं रहे। तिरुचिरापल्ली के किले में मोहम्मद अख्तर ने दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान शरण ली। कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की जीत
के साथ ही अधिक महत्वपूर्ण रूप से बंगाल की लड़ाई में उनके भारत के विजय की प्रक्रिया शुरू की और 1765 ईस्वी तक अंग्रेज न केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आभासी शासक बन गए बल्कि कर्नाटक और अवध दोनों के नवाबों के भी अधिशासी बन चुके हैं। हम अगला भाग कल दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे।